कैसे हैं आप लोग? प्रीति डायरीज में मैं प्रीति जी आप लोग का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ कि करवा चौथ में जरूरी क्या चीजें होती है, क्या सामग्री है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो मैं वो चीजें के बारे में आप लोग को बिल्कुल नहीं बताऊंगी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जो बहुत जरूरी चीजें हैं सिर्फ मैं आज आप लोग के साथ वही बातें सामग्री को शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो जरूरी है वो है साड़ी। अपनी सास के लिए एक साड़ी जरूर ले, साड़ी के साथ पेटीकोट और ब्लाउज तो इसमें रहता ही है। तो ये साड़ी हो गया कि जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने लिए भी साड़ी ले, दो साड़ी चाहिए, एक अपने लिए और एक सासू माँ के लिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर चूड़ी जरूर ले, अपने लिए भी और सासू माँ के लिए भी। तो चूड़ी, लहठी आप कुछ भी ले सकती है। ये बिंदी अपने लिए भी ले और सासू माँ के लिए भी जरूर ले। और एक सासू माँ के लिए क्रीम कोई भी जो वो लगाती हूँ वो ले ले। सिंदूर, सिंदूर लिपस्टिक, काजल, काजल और ये सिंदूर, सिंदूर तो मैं ये सिंदूर, काजल, लिपस्टिक और ये क्रीम, मेहंदी, मेहंदी भी जरूरी है। और ये हेयर बैंड, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो ये सब कुछ जरूर ले, अपनी सास के लिए भी ले, खुद के लिए भी ले। मेरी मम्मी जी तो काजल नहीं लगाती हैं, लिपस्टिक नहीं लगाते, फिर भी रखना जरूरी होता है तो मैं रख देती हूँ। उसके बाद जो भी है पायल, पायल बहुत ज़्यादा जरूरी है करवा चौथ में। आपके पास जो भी जेवर हो पहने, नहीं भी हो कोई बात नहीं, साड़ी, साड़ी का मैचिंग कोई भी ज्वेलरी आप पहन सकती हैं, लेकिन पायल तो सबके पास होती है। तो पायल जरूर पहने, बिछुआ अगर जो संभव हो तो नया बिछुआ खरीदे, क्योंकि करवा चौथ के दिन नया बिछुआ पहनना शुभ होता है। तो नया बिछुआ लाए। ये सिंदूर हो गया, ये मेरे लिए भी, मैंने खुद के लिए भी, के लिए भी सब भी जरूरी। श्रृंगार का जो भी चीज़ है, मेहंदी, सब कुछ ले। सास की जो भी थाली है, जिस करवा चौथ के दिन निकाले, तो उसमें कुछ फल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब डालकर आप दे सकती है। तो मैंने दिखा दिया कि, तो मैंने बता दिया कि अपने लिए और सास के लिए क्या जरूरी चीज़ें हैं जो हमें जरूर ही लेने चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि पूजा में क्या जरूरी चीज़ें होनी ही चाहिए। तो हम लोग के पास करवा होना चाहिए जिसमें ये छेद बना हुआ रहता है, बिल्कुल ऐसा ही करवा हम लोग को चाहिए करवा चौथ के लिए। ये छन्नी जिसमें आप चांद को और अपने पति को देख सकते हैं, करवा माता की फोटो। पहले तो करवा माता को घर पर ही बना लिया जाता था हाथों से, लेकिन अब ये संभव नहीं हो पाता है। तो साथ कथा भी है, तो आप किताब नहीं भी खरीद सकती हैं, यहीं से पढ़ सकती हैं। तो इसे अच्छे से ऐसे टेबल पर रख कर या रेड कपड़ा बिछा दे और उसके ऊपर ये रख दे, उसके बाद पूजा कर ले। उसके बाद जो जरूरी चीजें हैं, एक लोटा, इसको आप उस दिन अच्छी तरह से सजा दे, इसी से चंद्रमा को जल दे, फिर पति को जल दे। पूजा में हमें चाहे सिंदूर जो करवा माता को करके हम खुद के मांग में भरेंगे वो, ये रुई, बत्ती, घी और अरवा चावल जरूर होने चाहिए। जो व्हाइट कलर के होते हैं वो अरवा चावल जरूर होना चाहिए। कुमकुम जरूर होना चाहिए। फल जरूर होने चाहिए, कोई भी फल हो वो होने चाहिए। सूखे मेवे होना चाहिए। मैं ड्राई फ्रूट्स अभी नहीं लाई हूँ तो मैं आप लोग को बता दी हूँ कि वो भी जरूरी है। और आप ये मार्केट में इजी से मिल जाता है, इसको ला सकती है टेबल पर, इसको लगा सकती है दीवार में लगाकर, करवा माँ का फोटो रखकर फिर आप लोग पूजा कर सकती है।
तो ये लाल कपड़ा जो कि टेबल पर या नीचे आपका जो छोटी सी चौकी आती है, तो आप कहीं भी पूजा करें तो इस लाल कपड़ा को वहाँ बिछा दे। उसके बाद उस पे माता का फोटो रख कर आप सारा जो पूजा का सामान है वो रख कर आप लोग पूजा कर सकती है। तो ये यही सामान है जो मैंने आप लोग को बता दिया। हाँ, दीपक जो मैं अभी भूल गई हूँ थी, तो वो दीपक, दो दीपक होने चाहिए आपके पास, जरूर ही होने चाहिए दो दीपक आपके। तो जो बहुत जरूरी चीजें थे मैंने आप लोग के साथ शेयर कर ली है। आप चाहे तो अपने जरूरत हिसाब के अनुसार चीजें ले सकती हैं। आप बिछुआ भी अपनी सासू माँ को दे सकती हैं, बहुत देना शुभ रहता है, तो आप वो भी दे सकती हैं। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, उस दिन सास की जो थाली निकालते हैं फिर उसमें पूरा रख कर सब कुछ आप उनको भेंट करें। मंगलसूत्र पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है, पायल जरूर पहने। आपके पास अगर जो गोल्ड की ज्वेलरी है तो आप वो पहन सकती हैं, नहीं है तो भी आप कोई भी मैचिंग पहन सकती है। नहीं है कि हमें न्यू ही साड़ी पहननी है, हम पुराना भी पहन कर कर सकते हैं। तो सास के लिए न्यू साड़ी लेनी है, खुद के लिए हम पुराना साड़ी भी पहन सकते हैं। ऐसा कोई मान्यता नहीं है कि न्यू साड़ी पहनकर ही होगा, लेकिन साल में एक बार आता है तो न्यू साड़ी पहन कर करना अच्छा लगता है। तो आप लोग अगर जो खरीद सकते हैं तो खरीद ले, नहीं खरीद सकते हैं फिर भी कोई बात नहीं, आप घर में जो आपके पास पुरानी भी साड़ी हो तो उसे धोकर अच्छी तरह से करवा चौथ से पहले रख ले और उसे पहने। अभी तो मैं यही सामान लेकर आई थी, जो जरूरी चीजें थी मैंने आप लोग को बता दिया। अगर जो जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है आपको पता है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि मैं क्या भूल रही हूँ। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। Thank you.